हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो मेरे भाई, आशा करता हूँ अच्छे होगे, बढ़िया होगे, फिट होगे, मस्त होगे। तो मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बेसिकली गेनर की, जो मेरे भाई सबके ना बजट में आ जाएगा, ठीक है। और हम इसी के साथ में हम बात करेंगे कैप्सूल की, कि इसके साथ में हम कौन सा कैप्सूल ले सकते हैं, ठीक है, और हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इसके। देखो, चीज़ को ना समझना थोड़ा सा, ठीक है। क्यों गेनर देखिए, कई तरह के आते हैं, लोकल भी आता है, ओरिजिनल भी आता है, ठीक है। ज़्यादा इफेक्ट भी देने वाले आते हैं और कम इफेक्ट भी देने वाले आते हैं। तो आज हम बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आज अपने बजट में आने वाले गेनर की। ये जो आप गेनर देख रहे हो, ये हमारा एनाबॉलिक गेनर है। इस भाई, सबसे पहले तो हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे मेरे बहुत से भाइयों को यार कहते हैं यार कि गेनर बता दिया यार, उसका प्राइस कितना होगा, या फिर क्या कहते हैं भाई, हमारे बजट में है या नहीं है, हम ले पाएंगे या फिर नहीं। तो हम सबसे पहले भाई बेनिफिट के अलावा पहले हम इसकी प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि कोई नहीं बताता है। तुम्हारा भाई बताता है ना, कोई नहीं बताता ये चीज़, बहुत कमी के साथ में लोग बताते हैं। तो इसका जो प्राइस होने वाला है, आपको 1359 रुपये करीब का इसका प्राइस होने वाला है, ठीक है। हमने इसकी प्राइस की बात कर ली, हम जान लेते हैं कि ये कितने केजी का होगा। ये आपको 3 केजी का मिल जाएगा, यानी कि ये 3 किलो का डिब्बा आपको 1359 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, चाहो तो यहाँ से जाकर परचेस कर लो यार भाई, या फिर आपकी मर्जी हो तो कहीं और से जाकर परचेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, कि इसके प्राइस के हिसाब से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। इसके अंदर जो कैलोरीज तुमको मिलने वाली है, 1340 इसके अंदर कैलोरीज आपको मिलने वाली है। अब भाई सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर हम तुमको प्रोटीन कितना मिलने वाला है। भाई इसके अंदर आपको 40 ग्राम पर स्कूप आपको जो है ना प्रोटीन मिलने वाला है। प्रोटीन सोर्स भी इसका काफ़ी ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई प्रोटीन आपको पता ही है कि हमारे मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन के ऊपर ही चलती है। पानी के अंदर क्या, खाने के अंदर क्या, सोने के अंदर क्या, हगने हर चीज़ में भाई प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिलने वाला है, ठीक है भाई। कैलोरीज बता दी, प्रोटीन बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्ब्स की, ठीक है, कार्ब्स की और अपने BCAAs के बारे में। 120 ग्राम इसके अंदर आपको कार्ब्स मिलने वाले हैं। कार्ब्स जो होते हैं, ये हमारी वेट गेनिंग में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को डेवलप करने में मदद करते हैं। और भी हम बाहर से कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे अपने चावल हो गए, या फिर अपने और भी दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। तो भाई ये कार्ब्स के अंदर आ जाती हैं, और कई दफ़े ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में इन्हें नहीं ले पाते, तो हम इसके थ्रू हम पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताई दिया, 120 ग्राम आपको इसमें कार्ब्स मिलने वाला है, ठीक है। BCAAs 48 ग्राम है इसके अंदर, आपको BCAAs मिलने वाला है भाई, ये भी काफ़ी ठीक है भाई। जहाँ भी आप मतलब पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, कहीं भी आप सर्च कर लो BCAA के बेनिफिट, ये भी एक बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसको भी हम फर्स्ट नंबर पर रख देते हैं। ये क्लोटामाइन इसके अंदर आपको मिलने वाला है, क्लोटामाइन जो होता है इसके अंदर 4 ग्राम, ठीक है भाई। ये इसके अंदर 5 चीज़ें मेन जो हैं हमारी, जो हमारी मेन चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं कि भाई इसके अंदर ये 5 चीज़ें आपको मेन मिलने वाली हैं, और काफ़ी हाई न्यूट्रिशन के अंदर हाई हैं काफ़ी। जान लेते हैं कि हमारी किस किस चीज़ में हेल्प करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारे मसल्स गेनिंग में मदद करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हमारी वेट गेनिंग में मदद करता है, ठीक है। अब मसल्स गेनिंग और वेट गेनिंग, ये दोनों की दोनों अलग हैं भाई। आप वे प्रोटीन अलग होता है और गेनर अलग होता है, तो ये जो है एक गेनर है, ये हमारी बॉडी को बल्क देगा, बल्किंग देगा, ठीक है। ये हमारे शरीर में मास चढ़ाएगा और हमारे साथ में बल्किंग भी देगा, ठीक है भाई। वेट गेनिंग और मसल्स गेनिंग, ये दोनों चीज़ देगा। अब जान लेते हैं उसकी तीसरी और चौथी खास बात, ये आपकी एनर्जी बिल्डअप करेगा, ठीक है भाई। अगर जो आपकी एनर्जी बिल्डअप होगी, या भाई हमारी जब एनर्जी जब बढ़ती है, तो हम एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। हमारा एक्सरसाइज करने का मन तभी करता है जब हमारी एनर्जी सही लेवल पर होती है, जब हम एक एनर्जी अपने आप को एनर्जी पूर्वक महसूस करते हैं, जब हम करते हैं, हाँ यार अंदर से हमको लग रहा है कि हाँ यार जोश है, ताकत है, ठीक है, तभी हम अपनी एक्सरसाइज को कर पाते हैं भाई। हम पहले मरे गिरे हैं तो भाई हम एक्सरसाइज कहाँ कर पाएंगे, हम तो पहले ही जाकर बिस्तर पे आकर लेट जाएंगे, फैल जाएंगे भाई, रहने दे यार, कल चलेंगे, कल भी जो है निकल की बात, ठीक है।
ठीक है, कल भी जो है बात जो है गोल हो जाती है। तो भाई उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है ये, उस चीज़ को हमारी को एनर्जी को ही बढ़ाता है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी करता है। अब भाई हम जान लेते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि हमारा डाइजेस्टन सिस्टम, ठीक है, ये हमारी उसमें भी हेल्प करता है, डाइजेस्ट अच्छे तरीके से हो जाता है, ईजिली हो जाता है। जो कंपनी की तरफ से बातें हैं वो मैंने आपको बताई है, जो इन्होंने वाकायदा अपने डब्बे पर लिखी हुई जो कंपनी की तरफ से आया हुआ। अब भाई हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा मतलब किस प्रकार काम करता है, हमारा किस प्रकार काम करता है। देखिए जो हम बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, जो हम बाहर से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई फल खा लिया, या फिर हमने राजमा खा लिए, या फिर दलिया खा लिया, या फिर क्या बोलते चावल खा लिए, या फिर मतलब कुछ भी ऑल इन वन जो खाते हैं, तो कई दफ़ा क्या होता है कि हम उन चीज़ों को ना खा नहीं पाते, क्योंकि भाई हम काम में रहते हैं लगे हुए, या फिर हम क्या कहते हैं इतना हमारे पास बजट नहीं हो पाता, डेली का बजट नहीं हो पाता है कि हम कोई भी चीज़ एकदम से लेकर खाते हैं, ठीक है। तो भाई ये उन्हीं सारी चीज़ों को मिला करके जब बनाया जाता है, ठीक है, तो इसको देखो कौन कौन ले सकते हैं, इसको मैन और वुमेन, इसको लड़कियां भी ले सकती हैं और लड़के भी ले सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट लड़की भी ले सकती है लड़का भी ले सकता है, तो यार मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको लेना चाहते हो या फिर नहीं। प्रोडक्ट ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हाई लेवल का नहीं है, ठीक है, भाई ये 8-10 हज़ार रुपये वाला है तो इसकी तभी इसकी गारंटी होगी। अरे हमारे कम बजट के अंदर भी ना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर जो हम 8-10 हज़ार वाला ये ले रहे हैं तभी उसके अंदर न्यूट्रिशन मिलेंगे, तभी हमारे क्या कहते हैं काम चल पाएगा, भाई कम बजट के अंदर भी मिल जाते हैं। कोबरा का बल्ब के नाम से जाता है वो, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता है, वो भी काम करता है। तो प्राइस नहीं देखना है हमको, देखना है इसके बेनिफिट क्या क्या है, तो बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। अब 3 kg के अंदर है, अब भाई बात कर लेते हैं हम कैप्सूल के बारे में। देखिए अगर इसके आपको डबल बेनिफिट चाहिए तो आपने इसके साथ में एक कैप्सूल ऐड कर दो अपना, जैसे टेस्टो अप हो गया, ठीक है, अपना बॉडी ग्रो का हो गया, ठीक है, ये मसल्स गेनिंग वाला। देखो यहाँ पे हमको मिस्टेक क्या नहीं करनी है, हमको ना वेट गेनिंग वाला नहीं करना है। कैप्सूल दो तरह के होते हैं, पहला जो हमारी मसल्स गेनिंग करता है, दूसरा जो हमारी वेट गेन करता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको कौन सा लेना है, मसल्स गेनिंग वाला, एमिनो मास हो गया, ठीक है, बॉडी ग्रो का मसल्स गेन हो गया, बॉडी बिल्ड का हो गया, ये मैं तुमको वो बता रहा हूँ जो कम प्राइस के अंदर मिल जाते थे, ठीक है। तो इन तीनों में से मतलब कि इसी तरीके का कैप्सूल आपको ले लेना है, 3-4 कैप्सूल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, तो आप इनों को ले जाते थे ले सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सी कंपनियाँ देखूंगी कि बहुत सी कंपनियाँ प्रोडक्ट अपने प्रोटीन के साथ में या फिर मास गेनर के साथ में आपको कैप्सूल देती हैं, तो उसमें जो मेन पंडा होता है ना, अधिकतर जो काम होता है ना वो कैप्सूल का होता है, क्योंकि ये मास गेनर है, ठीक है, ये हमारा मास गेनर है, तो इसका जो काम क्या है, हमारी कमियों को पूरा करना, जो हमारे अंदर की कमी है ना उनको पूरा करना, तब जाकर के हमारे शरीर के अंदर ये काम करता है। वहीं कैप्सूल का क्या काम होता है, जो हमने लिया है सामान, जो हमने चीज़ ली है उसको अच्छी तरीके से लगाना, हमारी बॉडी को ना बिल्डअप करना है, एकदम से बिल्डअप करना। मेरे भाई आप इसके साथ ना कैप्सूल ऐड करोगे तो और भी अच्छा तुमको रिजल्ट मिलेगा, मतलब एक शुद्ध शाकाहारी भाषा में समझिए तो इसके अंदर आप कैप्सूल ऐड करोगे तो और भी ज़्यादा आपको ना मतलब कि रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो भाई आवाज़ें आ रही हैं, अपने ऑफिस पर हैं भाई, काम अपने जॉब पर है, ठीक है। मेरे भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, आशा करता हूँ भाई बात समझ में आ गई होगी आपके सभी की, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।